लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लगा। ठीक है मालिक। ए मालिक, किसे बोल रही है? जानेमन यहाँ भी डालो ना। ए जानेमन किसे बोल रही है, बेशर्म कहीं की। ये ले। थैंक्स यार। अरे बाप रे, अंग्रेजी ऐसे एग्रीकल्चर। शाबाश, ये ले। एक तो देर से आती है, ऊपर से मजाक करती है। ए जल्दी काम करो। अरे उनको बदन तो देखो। अरे देखते रेडी को बंद करते। हाय कैसा गबरू जवान। छोटी बीबी जी, वो जो बगला दिखाई दे रहा ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इस कौवे को देखकर बगला उड़ गया। अरे उड़िया तो उड़ने देना, वहाँ तक हमारे खेत है। और बगला है, वो हमारा नहीं है। वो भी हमारा ही है। छोटी बीबी जी, वो जो डैम है ये डैम किसका बोलने वाले हो? गवर्नमेंट का है बोल रहा था, बीच में तुम टोक दिए। छोड़ दिया तो लाल किला भी हमारा है बोलेगा तू। पसीना आ रहा है, तू ठीक से छतरी पकड़ेगा तो उनको पसीना क्यों आएगा? चल पकड़। वहाँ देखो। मुझे शर्म आ रही है। ए, मैं उनके काम को देखने के लिए बोल रही हूँ। अरे ये क्या, लगाए हुए पौधों को निकल रही है? अरे पौधे को उल्टा क्यों लगा रही है? और खेत पर तस्वीर क्यों बना रही है? अरे तिरछी नजर कैसी? नजर ठीक नहीं है। चेंज एवरीबॉडी। चेंज 10 रुपए काम चलेगा? मैंने कहा उन सबको बदल दो। हाँ, पूरे गैंग को बोलता हूँ। डू इट। हाँ मालकिन, नहीं तो डू इट गाते हुए बैठ जाएंगे। तू भी चल। टॉवल। ये लीजिए टॉवल। ये क्या कर रही है? इस तरह रहोगी तो गांव वालों की नजर लग जाएगी। इस बदन पे किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे औरतें किस तरह दिख रही है पता है तुम्हें? मैं उन सबको, उनके देखने पर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो किसे आएगा? शादी करने वाली मैं हूँ। ये गलत बात है। बिन माँ बाप के इस अनाथ को बड़े मालिक ने सगे बेटे की तरह पाला। जहां तक मैं मानता हूँ वो मेरे लिए देवता है। आप उनकी बेटी हो, मुझसे आइंदा आइंदा ऐसा मत कहिएगा। वो किसी ने मुझे दूध लाके नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद। छोटू भाई के लिए दूध है, आपको नहीं पीना चाहिए। मैं जानती हूँ। कैसे जानती है? वो अभी अभी तुमने कहा ना। मैंने कहा था। रुकिए, मैं पहले दूसरा दूध लाता हूँ। पहले ये दूध ले जाके छोटू जी को दो। ठीक है, छोटी मालकिन मालिक से कह के मुझे परमानेंट करा देंगी? ओह श्योर, जरूर कराऊंगी। अब ये ले जाके छोटू जी को दो। जी अच्छा। छोटू जी, मुझसे बच के भाग रहे हो? आज मैंने जो चाहा वो हासिल नहीं किया तो मेरा नाम प्रभावित नहीं। छे, रोज ये फीका दूध पी के जान जा रही है। चे, 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 चे। ए बंसे, ये मालिक इधर आ। हाँ मालिक। ऐ आज तो मीठा दूध पीऊंगा। ए क्या है ये? दूध है। किसके लिए? छोटू जी के लिए। छोटू के लिए? बहुत कम है। मालिक 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 मालिक। ये क्या, इस दूध में भी शक्कर नहीं है? आपने पहले पूछा नहीं ना, आप फीका दूध पीते हैं इसलिए छोटू जी भी फीका दूध पीते हैं। मालिक मालिक, छोटू जी बड़े मालिक, तुम मेरी खातिर बिना शक्कर का दूध पी रहा है, तेरा जवाब नहीं। पिताजी पिताजी पिताजी। बड़े मालिक, बड़े मालिक आप कहाँ हैं? बड़े मालिक आप कहाँ हैं? आप यहाँ? बंसी कह रहा था कि आप बहके बातें कर रहे हैं। वो ये क्या? वो तू बिना शक्कर का दूध पी रहा है सुन के शौक हुआ था मुझे। ये क्या, आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। वो मेरा गला ठीक नहीं है। ओ नहीं, अंग्रेजी में शौक बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, तू जा। कहाँ जाऊंगा?
आपको पता ना आपके पैर दबाए बिना नहीं जाता हूँ। लेटे रही चुपचाप। ये क्या कहा था ना गला ठीक नहीं है। वो नहीं, कड़क रहने वाले पैर आज इतने नरम नरम क्यों हैं? अरे नरम नरम पैर दबाते मुझे भी अच्छा लग रहा है। फिर से खांस रहे? लगता है आपको जुकाम हो गया। अभी ठीक करता हूँ। ये अमृतांजन छाती पर अच्छी तरह मल देता हूँ, जुकाम गायब हो जाएगा। दिखाइए मल देता हूँ, दिखाइए। नहीं नहीं, दिखाइए मल देता हूँ। रहने दो, अरे कैसे रहने दो। आप अरे बड़े मालिक, छोटू जी नीचे क्यों सो रहे हैं? बड़े मालिक चिल्ला मत, इन्हें कुछ नहीं, बस हल्की सी बेहोशी है। हल्की सी बेहोशी? अरे बाप रे। ओहो, मैंने कहा ना चिल्ला मत, मैंने ही उन्हें दिया था। आपने? हाँ मैंने। किस लिए? दवा मिला की जो दूध तुम्हें भेजा उसे अनजाने में पिताजी ने पी लिया। गुड़िया जी, आप गलत रास्ते पे जा रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है, मैंने बोल दिया। और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हे ही मैन, आई नो व्हाट टू डू टू यू मैन। छोटू मेरी खातिर फीका दूध पी रहा है तो? उसने कहा पिया? तुमसे ही पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? बोलो, डू यू लव मी और नॉट? अच्छा जी। अच्छा कहा, यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने सोचा आपने अंग्रेजी में गाड़ी रोकने के लिए कहा, इसलिए अच्छा जी कहा। देखो मुझे देखो, अच्छी तरह देखो। मैंने कहा ना मुझे देखो, सर से पांव तक देख लो, आखिरी बार देख रहे हो, देख लिया ना? गुड़िया जी, गुड़िया जी, गुड़िया जी कहाँ जा रही हैं? गुड़िया जी, ओहो कुएं में कूद के मरने जा रही हैं? कोई बात नहीं, मैं हूं ना बचाने के लिए। कूदिए कूदिए। वो सब पुरानी तरकीब है। ठीक है ठीक है। ओ, गुड़िया जी गुड़िया जी गुड़िया नहीं गुड़िया जी गुड़िया जी नहीं गुड़िया जी नहीं गुड़िया जी, मेरी बात वाला ऐसा मत करो, सब लोग देख रहे हैं, गांव में हमारी इज्जत चली जाएगी। गुड़िया जी सुनिए, गुड़िया जी गाँव वालों देख लेता बड़े मालिक की इज्जत चली जाएगी, लीजिए पहन लीजिए। मुझे वो सब पहनना है तो तुम मुझे सीने से लगाओगे? ये नहीं हो सकता। तो पिताजी की इज्जत पानी में। कहाँ जा रही है? हवा खाने। पहले से बहुत हवा खा चुकी है, वापस चलिए। नहीं चलूंगी, जब तक सारा गांव नहीं देख लेता तब तक उस पंप के नीचे स्नान करूंगी। स्नान पंप के नीचे इस बेस में? बेइज्जती खराब हो जाएगी। गुड़िया जी वापस आइए। ए मंगू। हाँ भैया। काम बंद करके सबको यहाँ बुला के ले आ। का है भैया? अबे बुलाना। ए सब आंखें बंद करके आओ। आंख बंद करके का है बुलाए? ठीक है खोल के आओ। बात क्या है? उस तरफ नहीं देखना, इधर 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 आओ, सब इधर आओ, सब इधर आओ, मुझे देखो। सब लोग आ गए? हाँ सब आ गए। बोलिए क्या बात है? आज किसी की जरूरत नहीं है, सब जाओ। लेकिन भैया मजदूरी? मजदूरी दे दूंगा ना। काम करा के लोग पैसे नहीं देते, आप बिना काम ज्यादा के... सवाल कर रहे हो, कल काम पे आना है या नहीं? अरे जाओ, सब जाओ। चलो भाई, चलो चलो चलो, चलो जाने दो यार, चलो यार। तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता छोटू भाई, कोई चुंबक की तरह मुझे खींच रहा है। चुंबक भी नहीं, चुंबक भी नहीं, जा। छोटू भाई क्या क्या पंप के नीचे हाथ पर धो के जाऊंगा ना? ए, क्यों किस लिए? बिना पांव धोए जाऊंगा तो बीवी लात मारेगी ना। तो मैं मारता हूँ ना। गुड़िया जी ये पहन लीजिए, मैंने कहा ना ये पहन लीजिए। हमारे खेत के मजदूरों को भेज दिया तो बगल वाले खेत के मजदूर नहीं देखेंगे। जाओ जाओ, आप हमारी अच्छी गुड़िया है ना, हमारी बात मान लीजिए। नहीं पहनूंगी, तुम मुझे बाहों में ले लो तभी पहनूंगी। ये नहीं हो सकता, बात मानिए, पहन लीजिए। मैं ऐसे ही रहूंगी, जाओ। गुड़िया जी छोटे बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, किसने देखकर बड़े मालिक से बोल दिया तो बड़े मालिक को गुस्सा आ जाएगा, मेरी जान ले लेंगे। लीजिए पहन लीजिए लीजिए। वाह क्या बात है, उन औरतों को तुम्हें घूरते हुए जितना जलन मुझे महसूस हुआ उससे भी ज्यादा जलन अब तुम्हें महसूस हो रहा है ना? औरत और मर्द में फर्क होता है, लीजिए पहन लीजिए। अच्छा बाबा पहन लूंगी, लेकिन तुम पहनाओगे तभी मैं पहनूंगी। मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी होने वाली पत्नी का बदन गांव वाले न देखे ये चाहते हो तो पहना दो, नहीं तो इसे भी निकाल दूंगी। नहीं गुड़िया जी।
मुझे इतनी सारी अकल देने वाले भगवान ने पढ़ाई क्यों नहीं दी? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। रो रहा है और कह रहा है कुछ नहीं है। बात क्या है बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वादा? पक्का वादा? ओप्पो अनजाने में चिट्ठी दिखा दी। चिट्ठी किसने भेजी? मेरी लवर ने। लवर ने? तेरी लवर भी है? सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा सब ने प्यार करके ही शादी की। मालूम है तेरे वंश को देखकर ही पता चलेगा कि प्यार अंधा होता है। अच्छा छोड़, तेरी लवर कौन है? तुमसे बताने के लिए मैं क्या बेवकूफ हूँ? तू बहुत अकलमंद है तो मैं जानता हूँ। तेरी लवर ने लेटर लिखा है तो इसका मतलब है कि वो पढ़ी लिखी है। फिर मुनीम की बेटी पढ़ी लिखी नहीं होती है क्या? अच्छा वो मुनीम गोविंद जी की बेटी है। ओफो मुंह से फिसल गया। तू फिसल कर ही पैदा हुआ था। वो लेटर दे, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पढ़ के सुनाओगे? हाँ पढ़ो। सुनो, दीवार के भी कान होते हैं, अंदर जाके पढ़ते हैं। चलो। सुनो मदन, ये मेरा प्रेम पत्र है, धीरे से पढ़ना, कोई ना सुन ले। अरे वाह, लड़की से ज्यादा लिखावट सुंदर। लड़की भी तो सुंदर है ना। अच्छा प्यारे बंसी, मैं हूँ तेरी बांसुरी। अरे मेरा कान क्यों बंद कर रहा है? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम पढ़ोगे तो तुम खुद नहीं सुनोगे, इसलिए कान बंद करके रखा हूँ। जो लेटर मैं पढ़ रहा हूँ मैं ना सुनूं, इसलिए मेरा ही कान बंद कर रहा है। वाह 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 वाह, तेरा तो जवाब ही नहीं। तेरे जैसा अकलमंद न कभी दुनिया में पैदा हुआ है और न कभी होगा। ये चिट्ठी पढ़ने लायक नहीं है, पचाने लायक है। मेरी चिट्ठी, मेरी चिट्ठी। ए छोटू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है। ए छोटू जी, छोटू जी, हम दोनों थोड़ी देर उस मंडप में बैठेंगे ना? नहीं नहीं, बारिश होने वाली है। ओफो, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए घर में मौका ही नहीं मिलता। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कल बात करेंगे, बड़े मालिक भी घर पे नहीं है, आएंगे तो ढूंढेंगे। चलो। हेलो, मालकिन की हैसियत से हुक्म दे रही हूँ, अमल करो। जो हुक्म मालकिन। आइए। छोटी मालकिन पर्वत वाले मंदिर गई हैं और उनके साथ अपने छोटू जी जो हैं। अब इसमें डरने की क्या बात है साहब? शाम से लगातार बारिश हो रही है, रास्ते में कहीं गाड़ी खराब हो गई तो? कुछ भी हो, एक बार जाके देख लेते हैं। मदन तू गाड़ी निकाल। अच्छा मालिक। साहब वहाँ देखिए, वो गाड़ी हमारी ही गाड़ी है ना? हाँ मालिक, वो अपनी 289 है। मैंने तभी कहा था ना, गाड़ी खराब हो गई होगी। ए बाजू में रोकना। बहुत देर हो गई, चलो घर चलते हैं। गुड़िया क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ कहा कि गाड़ी खराब हो गई है। मैंने झूठ बोला? हाँ, क्या बोल रही? थाली में खाते हो, उसमें छेद करते हो। क्या? प्लीज मुझे गुड़िया करना। पागल हो गई हो क्या? नहीं, तुम पागल हो गए हो। मैं? अच्छी तरह सुन लो, मेरी जान भी जाए तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। छोड़ दो मुझे, बचाओ। छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज। मैं तुम्हारा क्यों कुछ करूँ? नहीं, नहीं। गुड़िया ऐसा मत कर। छोटू, छोटू मालकिन क्या कर रही है? छोटू जी, छोटू जी। मेरे पिताजी तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं भी उन पर बहुत भरोसा करता हूँ। मैं उन्हें धोखा दे सकता हूँ। मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो। चलो, चलो। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो, पास मत आना, छोड़ दो मुझे। गुड़िया, पिताजी, ये सब कैसे हुआ छोटी मालकिन? गाड़ी खराब हो गई है कहकर मुझे इस मंडप में लेकर आया। बारिश की वजह से गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, इसीलिए यही रुके कहा और मुझे घूरने लगा, मुझे बहुत डर लगने लगा। कोई बात नहीं, पैदल चलकर ही जाएंगे कहा तो? तुम विदेश में पढ़कर आई हो, इतना भी नहीं समझती कह के मुझे पकड़ने लगा पिताजी। तूने क्या कर दिया? तुझे अपने बेटे की तरह पाला, उसके बदले में तूने मेरी बेटी पे हाथ डाला। तू इंसान नहीं है, तू इंसान नहीं है। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं सांप को दूध पिला रहा हूँ। अरे बगावत, आज से तू मर गया मेरे लिए। आईने मेरे चौखट पर कदम नहीं रखना। अबे कैसे पाला था मैंने अपनी औलाद से बढ़कर तुझे प्यार दिया, उस एक ही वजह से मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। आईना कभी शक्ल मत दिखाना, तेरी जगह कोई और होता तो इस कमीनेपन के लिए मैं उसकी जान ले लेता। है?
चल बेटी चलो, आज से उसका और हमारा रिश्ता खत्म। मत जाओ जी बाबू, मेरी बात सुनो, दोनों परिवार के बीच दुश्मनी और बढ़ जाएगी, मेरी बात सुनो। ए, तू हट जा। चाचा जी मेरी बात सुनिए चाचा जी। ए, तुम बच्ची हो, कुछ नहीं जानती, जाओ। वो मत जाइए चाचा जी, प्लीज। रुक जा, कहाँ जा रहा है? जिसे मैं दिल से चाहता हूँ उस पर एक मामूली नौकर ने हाथ डाला है जानकर भी तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो? हट जाओ भैया, उसके हाथ पाँव तोड़ने तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तोड़ देने से बदले की आग बुझ जाएगी। नहीं तो क्या, इज्जत गई तो कोई बात नहीं कहकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अक्कल है तुझे, उसे मार के जेल में जाके बैठेगा? कोई बात नहीं, जो हुआ उसे सुनकर हाथ में छुड़िया पहन के बैठने से वही अच्छा है। गांव वाले हमारे मुंह पे थूके से बेहतर है जेल में चक्की पीसना। हटो। नहीं देवर जी, मेरी बात तो जरा सुनिए। मेरे पिताजी आज तक वीरू को सर पर बिठा कर रखे थे, अब उसकी असलियत जानकर उसे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। ये सजा उसके लिए काफी है। लेकिन तुम्हारी बहन की इज्जत तो गई ना, उसका जो भी जिम्मेदार है उसे मारे बिना छोड़ दो। तो अगर आप उसे मार देंगे क्या उसकी इज्जत लौट आएगी? नहीं, लेकिन मन का गुस्सा कुछ तो कम हो जाएगा। दो दिन शांत रहने की कोशिश कीजिए तो गुस्सा अपने आप थम जाएगा। हाँ भाभी, आप भी तो 15 साल से शांत रह रही हैं, लेकिन आपके पिताजी का गुस्सा कहाँ कम हुआ है? मैं भी वैसा ही हूँ, हट जाइए। उसका गुस्सा होना भी जायज है रानी, जिस लड़की पर किसी ने हाथ डाला उसे कौन शादी करेगा? और हकीकत यह है कि उसे दिल ही दिल में प्यार करता है। मेरा भाई है सिर्फ इस वजह से तुम्हारे पिता उसे भी दुश्मन मानते हैं। सच जाने दो, उसने मेरी परवाह नहीं की, कोई बात नहीं, तुम्हारी तो बात मान ली, मेरे लिए यही काफी है। अरे सुनो, गाड़ी निकालो। क्यों, वीरू से क्यों पूछना है? मजदूरों को क्या मजदूरी देनी है वो वीरू ही जानता है। मूंगफली किस दुकानदार को बेचनी है वो भी वीरू ही जानता है। किस खेत में कौन सी दवा छिड़कनी है ये भी वीरू ही जानता है। मालिक, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? छोटू जी के पास। किस लिए? वो ये है कि जो रुपए आए हैं उसे किस किस के नाम से किस बैंक में जमा करना है, इस घर के लिए जरूरी सामान कहाँ से खरीदने हैं, ये सब बात छोटू जी ही जानते हैं। क्यों बे, आज तक ये सारा काम वीरू ही कर रहा था तो तुम सब इस घर पे बैठ कर क्या कर रहे थे? गधे चरा रहे थे? घर है कि धर्मशाला? अभी चुप, तू चुप रहा, हम बड़े बात कर रहे हैं। रसोई में क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये जाने बिना सब बैठे हुए हैं। छोटू जी 2 दिनों से काम पे नहीं आ रहे, मालूम है ना, ड्राइवर को भेज के उन्हें बुलाइए। 2 दिन से तू कहाँ था? समंदर कैसा है देखने के लिए चौपाटी गया हुआ था। उस समुद्र में डूब मर। नमकीन वाले गोविंद, इसका हिसाब करके भेज दे। हिसाब दे के ही पैसा दूंगा, फिर साहब के सामने भिखारियों की तरह क्यों चिल्ला रहा था तू? तू कब आया था? तुझे कितना देना बता? मुनीम आप है कि मैं हूँ, अगर आप नहीं जानते तो हिसाब छोटू भाई से पूछ लीजिए। क्या बकवास कर रहा है? मुझे नौकरी से निकाल दिया ना। अरे बंसी क्यों रो रहा? कहाँ जाऊंगा, कैसे जीऊंगा, ये सोच के रो रहा हूँ। ठीक है बंसी, तू रो मत। देखो मेरे घर की देखभाल के लिए कोई नहीं है और मेरी बेटी भी यहाँ काम करती है, तू मेरे घर की देखभाल अच्छी तरह करेगा। करूंगा जी। वो परमानेंट है कि नहीं पूछो। लेकिन ये नौकरी परमानेंट है ना जी? वो तुम्हारे चाल चलन पर निर्भर है। चाल चलन आजरा है जी। अरे ये क्या टेढ़े मेढ़े चल रहे हो? अच्छी नहीं है तो चलन देखो ऐसा रहा है ना, तू परमानेंटली टेम्पररी हो। वीरू को हमेशा के लिए घर से निकालने के बाद ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, ये मैं जानती हूँ। जल्दी ही पिताजी के मन में दीदी के प्रति जो नाराजगी है उसे मैं दूर कर दूंगी। बिना सोचे समझे जानवरों की तरह मारा, अपनी बेटी के बातों पर विश्वास किया। आगे क्या हुआ, कैसा हुआ, ये भी नहीं पूछा उस बड़े आदमी ने। कम से कम तू तो बता सकता था ना। अरे छोटू तू रो रहा है, बड़े मालिक ने मारा इसका दुख है? नहीं दादी, बड़े मालिक के मारने का मुझे कोई दुख नहीं। इतने सालों से आज तक एक दिन भी मैं उनसे अलग नहीं रहा, लेकिन आज उन्हें देखे 2 दिन हो गए, इसी बात का दुख है। तू कितना अच्छा है छोटू, देख किसी के नजर में पड़े बिना तू जाके बड़े मालिक को देख गया तब तेरे दिल को सुकून मिलेगा। नहीं दादी, अपनी गलती का एहसास कर, जब तक वो खुद मुझे नहीं बुलाएंगे मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा।
माना कि उस मनोज ने तेरे साथ प्यार का नाटक किया है, तू तो जानता है ना वो मालिक की बेटी है, तो अपना दिल क्यों दे बैठा? पंप सेट के नीचे नहाते हुए जब मुझे उसने अपने गले लगाया तब भी मैंने उसे अपने दिल में जगह नहीं दी, लेकिन एक दिन ओफो, ये क्या गुड़िया जी, दिमाग खराब हो गया क्या? सारी किताबें जला रही हैं और फिर जो डिग्री हासिल की थी वो भी आग में डाल दी, क्या हो गया आपको? देखो उन्हें क्यों निकालते हो, वो सब मेरी डिग्री और सर्टिफिकेट है, उन्हें मैं जलाऊं या फाड़ दूं मेरी मर्जी, मुझे रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम उन्हें आग में नहीं डालोगे तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहने वाले मेरे पिताजी की कसम मैं इस खाई में कूद कर मर जाऊंगी। जोश मत आइए, जलाओ। जो जल रहा है वो सिर्फ आपकी डिग्रियां नहीं है, बड़े मालिक ने जो आपके लिए सपने देखे थे वो हैं। कोई बात नहीं, जब मेरे सपने टूट गए हैं तो किसी और के सपने की मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरे अमीर होने की वजह से ही तुम मुझे और मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो ना? ये देखो मेरे पिताजी ने मेरे नाम जितनी दौलत और जायदाद लिखी है वो दस्तावेज है, इन्हें भी जला। बुढ़िया जी, ये क्या कर रही हैं? मैंने पहले ही कहा था मुझे रोकोगे तो मैं कूद जाऊंगी। ये देखो अब मैं सिर्फ प्रभावती हूँ, ना डिग्री है ना दौलत, कम से कम अब तो मान जाओ। बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं? आप कुछ भी कहें पर आप बड़े मालिक की बेटी हैं, मेरी क्या मजाल जो आपसे शादी करूं? आप समझने की कोशिश